नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केसवाही पुलिस ने नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर परिजनों को किया सुपुर्द। पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री कुमार प्रतीक द्वारा नाबालिग बालक बालिका के दस्तयाबी हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। दिनांक 14/4/2023 को फरियादिया द्वारा चौकी केसवाही में रिपोर्ट दर्ज कराई की। दिनांक 13/4/2023 को फरियादिया की 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची दोपहर में 3 बजे परिजनों को बिना बताए कहीं चली गई है, जिस पर चौकी केसवाही में पुलिस द्वारा तत्काल धारा 363 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपहता की पता तलाश हेतु पुलिस टीम गठित कर नजदीकी रेलवे स्टेशन बस स्टेशन में तलाश की गई। पुलिस द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी, जिस पर दिनांक 15/4/2023 को ग्राम हर्रीडीह से पुलिस द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी एलबी तिवारी के नेतृत्व में सह उप निरीक्षक आमोस रावलकर एवं आरक्षक पार्थ चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एमबीसीडी 24 न्यूज एक्सप्रेस शहडोल केसवाही से मिर्जा अफसार बेग की रिपोर्ट। सर बताएं। आवेदिका बसंतू बाई पति बाबू सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी मलया द्वारा दिनांक 14/4/2023 को इटासे की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसकी लड़की कुमारी सुशीला सिंह उम्र 15 वर्ष जो कि दिनांक 13/4/2023 को घर से बिना बताए करीब 3 बजे दिन कहीं चली गई है, पता तलाश से नहीं मिल रही है। इसे संदेह था कोई अज्ञात व्यक्ति भाला फुतला कर भगा कर कहीं अन्यंत्र ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर पकड़ कायम कर निरंतर पता तलाश की गई, जो दिनांक 15/4/2023 को ग्राम हरिडी से दस्तयाब हुई। लड़की को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया, विवेचना जारी है।